हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यार, आज आप सभी की मदर को मेरी तरफ से भी हैप्पी मदर्स डे। सो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 गेम्स के बारे में, जो कि अभी यानी 10 मई तक टॉप पे अपने ग्राफिक्स, स्टोरी लाइन और एक्शन को लेके जो टॉप पे है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये सब गेम अप्रैल में ही रिलीज़ हो गए थे, लेकिन ये अभी भी टॉप पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। तो गाइस, जो टॉप पे गेम है उसका नाम है एरिया F2। बेसिकली ये अभी बेटा वर्जन है, लेकिन सभी इसे खेल सकते हैं। इसकी कमाल की बात यार ये है, इसके गैजेट्स और स्टंट्स। ये 5x5 प्लेयर्स का गेम है, जिसमें आपको अटैकर और डिफेंडर बनना होता है। ग्राफिक्स भाई बहुत तगड़े हैं इसके, बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। आप इसे अपने दोस्तों के भी साथ खेल सकते हो आराम से। बहुत बहुत मस्त गेम है यार, और इसमें गैजेट्स भी बहुत मस्त मस्त हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको बीटा वर्जन ख़त्म होने से पहले। टॉप 4 पे जो गेम है यार, उसका नाम है डर्ट बाइक अनट्यून। अगर आपको रेसिंग गेम पसंद है तो भाई ये एकदम न्यू गेम है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये एक्सट्रीम मोटो रेसिंग गेम है भाई। आप इस गेम को अदर प्लेयर्स के साथ भी कॉम्पीट कर सकते हो भाई। इसके सबसे मस्त चीज़ मुझे ये लगा ना, इसके ग्राफिक्स और स्टाइल भाई, जिस तरह से ये गेम चलती है, जिस तरह से इसके ग्राफिक्स हैं, जिस तरह से इसके एक्शंस हैं, तो भाई वो एकदम डॉट रैली वाली, अगर आपने देखा होगा, उस तरह का फील कराती है भाई। तो भाई इसके भाई ट्रैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 20+ एपिक बाइक स्किन्स हैं। तो अगर आपको रेसिंग पसंद है तो आप ये गेम ट्राई कर सकते हो भाई। ये सब गेम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट गेम जो है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स बियॉन्ड द वॉल। तो यार बहुत से लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखे होंगे, उसके फैंस भी बहुत सारे होंगे। तो भाई ये बेसिकली इन्होंने RPG टाइप गेम बनाया है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स जिन्होंने देखा होगा न्यू वाला, तो उसके हिसाब से ही ये गेम है। तो अगर आपने देखा हो तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या गेम है। अगर आपने नहीं देखा तो भाई गेम खेल लो, आपको पता चल जाएगा जरूर। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन ग्राफिक्स बहुत मस्त है भाई। साउंड भी भाई नेक्स्ट लेवल का है इसका। तो भाई अगर स्टोरी मैं बता दूंगा ना तो पूरा चीज़ रिवील हो जाएगा, तो मैं नहीं बताऊंगा इसका स्टोरी। तो आप जाओ और डाउनलोड करके खेलो एक बार। टॉप 2nd जो गेम है वो स्काई चिल्ड्रन ऑफ लाइट है। तो यार ये सोशल एडवेंचर टू एक्सप्लोर विद लव्ड वंस गेम है भाई। तुम खेलो इसे एक बार और इसकी स्टोरी जानो भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब इसके ग्राफिक्स और साउंड्स तो भाई कतई कमाल है इसके साउंड्स, और भाई स्टोरी लाइन बहुत मुझे अच्छी लगी। अगर आप इसे खेलोगे, इसके रियल स्टोरी को जानोगे ना, तो भाई सच में तुम्हारा दिल ना बहुत बहुत ये करेगा। इसके 2nd पार्ट को भी लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इसका 2nd पार्ट आता है तो कैसा होगा। तो यार तुम ज़रूर से इसको ट्राई करना, कोई गेम खेलो या ना खेलो इसे तुम ज़रूर खेलना। 141 MB का है या फिर कुछ थोड़े ही से MB का है, तो यार तुम इसे ज़रूर खेलना। बहुत ज़्यादा अवार्ड इसने जीते भी हैं। तो यार ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, वो है टॉप 1 गेम। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉप 1 गेम को। तो यस गाइस, टॉप 1 पे है डेड बाई डेलाइट। तो यार अगर तुम इसे PC में खेले होगे ना, तो तुम्हें ज़रूर पता होगा ये गेम कैसा है। पहले जो है ये अदर सोर्सेज पे अवेलेबल था, जैसे टैप टैप, इसी मार्केट्स। तो अब ये ऑफिशियली प्ले स्टोर पर भी आ चुका है यार। तुम इस गेम को खेलोगे तो यार इतना डरावना गेम है। मैंने इसे पहले भी बहुत बार खेला हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल भाई, ग्राफिक्स और साउंड्स। तुम इसे हेडफोन ज़रूर लगा के खेलना, क्योंकि बिना साउंड के तुम पता नहीं चल पाएगा कि किधर से एनिमी आ रहा है। तो इसमें चार बंदे वर्सेस एक मल्टीप्लेयर गेम है ये, मतलब चार वर्सेस एक मल्टीप्लेयर गेम है, जिसमें एक किलर बनता है और चार को बचना होता है। चार डिफेंडर बनते हैं, तो चारों को जनरेटर स्टार्ट करके एस्केप करना होता है किलर को मारने से पहले। तो यार तुम किलर को मार नहीं सकते, किलर आपको मार सकता है ज़रूर। तो आप देख सकते हो भाई, ग्राफिक्स भी बहुत मस्त हैं। तो भाई इस गेम को तो ज़रूर ट्राई करना। तो चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।